हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कब बताने वाला हूँ बैंक का एस्टीमेट कैसे निकालें। फ्रेंड्स, यहाँ सब किसी भी बैंक का एस्टीमेट निकाल सकते हो, आपका कोई सा बैंक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी भी बैंक का एस्टीमेट निकाल सकते हैं, आपने कितना पैसा कहाँ पर ट्रांसफर करा, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, घंटी की प्रेस करिए, आपकी यूट्यूब से ऐसी रिलेटेड आपको सीखने मिलेगी। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक बैलेंस चेक। चलिए टाइप करता हूँ, लिखते सर्च करना है। सर्च करेंगे यहाँ पे सेकंड पे इसका लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, पहले से मैंने इसको स्टोर करके यहाँ पर रखा है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन जैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, जो लैंग्वेज आप चलाना चाहते हो, जो लैंग्वेज में ये आपको वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। पहले से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और फ्रेंड यहाँ कट का ऑप्शन कट करेंगे। और फ्रेंड्स पूरे यहाँ पर पूरे बैंक की लिस्ट आ चुकी है, जो भी बैंक आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हो पूरी बैंक की लिस्ट आ चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे देखना है, मुझे देखना है इलाहाबाद का स्टेटमेंट निकालना। अगर यहाँ पे सर्च लिस्ट में आपका बैंक नहीं था, यहाँ पे सर्च बैंक यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो बैंक है वो बैंक को यहाँ फ्रेंड्स सेलेक्ट करना है। चलिए फ्रेंड्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा बैंक आ चुका है, यहाँ पर सेकेंड पर मेरा बैंक है, इस पर चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, एटीएम का, बैंक ब्रांच, आईएफएससी कोड, बैंक, इस पर सिलेक्ट नहीं, कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। ऊपर में यहाँ चेक बैलेंस, इस पर क्लिक कर दूँगा। इस पर जैसे क्लिक कर यहाँ पे चेक बैंक बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे गेट मिनिमम एस्टीमेट यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ से बात करते हैं कस्टमर केयर से। यहाँ पे इस बैंक ओपन टू, यहाँ कौन सी बैंक खुला रहता है यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड मुझे निकालना एस्टीमेट, यहाँ पे गेट मिनिमम एस्टीमेट में क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक कॉल लग जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल यहाँ भी कट भी जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको कटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली एक कॉल कट जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। फ्रेंड्स आपके पास मैसेज आएगा बैंक की तरफ से, इसमें आपका कितना कहाँ कहाँ पैसा डिपॉजिट करा, पूरी डिटेल्स आपको इसमें। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर लिए थोड़ा। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा मैसेज आ चुका, चलिए फ्रेंड्स मैं देख लेता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हो मेरा बैंक अकाउंट लास्ट का 4 अंक देखने के लिए मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कितना बैलेंस, वो बैलेंस है कितने कितने तारीख को मैंने यहाँ पे पैसा निकाला, वो डेट तारीख यहाँ पे निकाला हुआ पैसा डेट तारीख देख रहा है, कहाँ पे कितने पैसा भेजा है वो भी यहाँ पे डेट तारीख आपको पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे तारीख डेट्स का तारीख डेट सब कुछ आपको देखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मिल रहा है, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फ्रेंड्स रहेगा। फ्रेंड्स चलिए मैं बैक जाता हूँ। अगर फ्रेंड्स जो भी बैंक का देखना चाहते हो वो बैंक पे फिर यहाँ क्लिक करना। अगर फ्रेंड्स देखिए मैं दिखला देता हूँ, फ्रेंड्स ये पूरी बैंक की लिस्ट है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ देखना चाहते हैं, फ्रेंड्स HDFC का देखना चाहते हैं, HDFC पे क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स ये कट का ऑप्शन, इसको कट कर देना। फ्रेंड यहाँ पे पूरी डिटेल, इस पर चेक बैलेंस पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे गेट एस्टीमेट, यहाँ पे चेक बैलेंस को कस्टमर केयर, इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स आप IFSC कोड निकालना चाहते हैं, IFSC कोड पर क्लिक करना। फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स आपको चेक डिफरेंट ब्रांच पर क्लिक करना, यहाँ पर स्टेट डालना। फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेट का देखना चाहते हैं ओके पे क्लिक करना। फ्रेंड यहाँ पर सिटी मंगा जा रहा है, वो सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना। फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रांच मंगा जा रहा है, कौन सा ब्रांच का देखना चाहते हैं टिक मार कर ओके करना। अब यहाँ पे IFSC कोड सर्च पे क्लिक करना, इस पर जैसे सर्च करेंगे ये HDFSC का IFSC कोड है। फ्रेंड्स कहीं भी पैसा भेजते हो फ्रेंड्स वहाँ IFSC कोड की जरूरत पड़ती है, आज HDFC का IFSC कोड। चलिए फ्रेंड्स बैक आ जाता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको इलाहाबाद का देखना, फ्रेंड यहाँ इलाहाबाद पे क्लिक करा। फ्रेंड्स यहाँ पे कट का ऑप्शन कट कर दिया। फ्रेंड यहाँ पे IFSC कोड पे क्लिक करा। अब फ्रेंड यहाँ पे चेक डिफरेंट ब्रांच पे क्लिक करा, यहाँ पे स्टेट डालना, कौन सा स्टेट का चेक करना चाहते हैं वो टिक मार करके ओके करना। यहाँ पे सिटी डालना, चलिए यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करके ओके करना। फ्रेंड यहाँ पे ब्रांच डालना, कौन सा ब्रांच का देखना चाहते हैं वो ब्रांच सेलेक्ट करके टिक मार करना। फ्रेंड यहाँ पे IFSC कोड सर्च पे क्लिक करना। फ्रेंड्स यहाँ पे इलाहाबाद का IFSC कोड है। फ्रेंड्स कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं IFSC कोड की जरूरत पड़ती है, IFSC कोड नहीं डालते तो पैसा आपका ट्रांसफ़र बैंक में नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी अपना एस्टीमेट चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के शेयर करिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।